नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन। इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं। अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थी, फिर भी उनकी एक ना चलती। सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब आप आ गए। ओहो पार्षद मैडम भी आ गई है, स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है, चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार, कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा, बोलो है मंजूर। तभी वहाँ अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना, तुम वही किया करो, मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ समझी। और तुम ना जाओ अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है, वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूँ। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती हैं। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूँ। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती।